जय हिंद गाइस। आज बात करेंगे गाइस 10 रुपए के इस पाइनी स्टॉक जिसने अपने इन्वेस्टर को लगातार मल्टीपल रिटर्न बनाकर दे रहा है। गाइस आप देख सकते हैं 3548% का पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दिया है वही 1 वर्ष के अंदर। वही गाइस 5 वर्ष की बात करें गाइस तो 5 वर्ष में कंपनी अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया, 16,316% का पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दिया है गाइस। तो काफी बड़ा रिटर्न होता है जो कि आपके पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई कर चुका है और आगे भी यह स्टॉक दे सकता है क्योंकि अभी प्राइस आप देख सकते हैं कि 10 रुपए के आसपास ही यहां पर ट्रेड कर रहा है गाइस। क्योंकि इसका प्राइस अभी जो कि 100 रुपए के आसपास में था गाइस, लेकिन इसका स्प्लाइट हुआ है अभी कल के ही दिन में। यहां पर कंपनी 1:10 के रेशियो से यहां पर स्प्लाइट किया, 1:10 के मतलब जिसके पास 1 शेयर था तो उसको 10 शेयर यहां पर इशू किए गए हैं गाइस, जिसके कारण अभी इसका प्राइस कितना 10 रुपए के आसपास आ चुका है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका प्राइस कहाँ तक गया था, 100 रुपए के आसपास गया था गाइस। और इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट भी इस कंपनी का आया हुआ है गाइस, तो काफी जबरदस्त रिजल्ट आया हुआ है जिसके कारण फिर से इस स्टॉक में तेजी देखी जा सकती है गाइस और कंपनी अपने बिजनेस को लगातार ग्रो कर रही है और यही कारण है कि ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे रहा है गाइस। तो आइए देखते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल और बिजनेस क्या है गाइस। वही कंपनी की बिजनेस की बात करें गाइस तो यह कंपनी एक ट्रेडिंग सेक्टर की कंपनी है गाइस, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स और पावर जो फ्यूचर की डिमांड है और फाइबर सीमेंट स्टील प्लांट्स पर कंपनी यहां पर काम कर रही है, फार्मास्यूटिकल्स जैसे बड़े बड़े बिजनेस पर कंपनी यहां पर काम कर रही है और यही कारण है कि कंपनी का काफी अच्छा बिजनेस है जो कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है। वही कंपनी का मार्केट कैप मात्र 500 करोड़ का है गाइस, तो काफी छोटी कंपनी है और काफी स्पेस है इसको ग्रो होने के लिए। करंट प्राइस 9.85 का है जबकि यहाँ पर हाई लगाया था 9.85 का, लो लगाया था 0.29 का, क्योंकि गाइस अभी कंपनी का स्टॉक ने यहाँ पर स्प्लाइट दिया है इसी कारण हाई अभी जो कि कल का हाई है वही ही दिखा रहा है गाइस। स्टॉक अभी यहाँ पर 84.1 का है गाइस जबकि आप इंडस्ट्री पे देखेंगे तो इंडस्ट्री पे यहाँ पर जो कि 39.9 का था, इंडस्ट्री पे के मुकाबले यहाँ पर स्टॉक वैसे तो महंगा नजर आ रहा है लेकिन सेल्स कंपनी अच्छा खासा जनरेट कर रही है 1 वर्ष के अंदर 41.9 करोड़ का गाइस। और कर्ज की बात करें गाइस कर्ज है मात्र 0.55 करोड़ का जो कि रिजर्व से बहुत कम है, रिजर्व कंपनी में 10.3 करोड़ का पड़ा हुआ गाइस, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अपने कर्ज को कभी भी खत्म कर सकती है। कंपनी में माइनस पॉइंट है प्रमोटर की होल्डिंग, जो कि प्रमोटर को होल्डिंग इस कंपनी में है ही नहीं और FI और DIS के भी यहाँ पर कोई भी होल्डिंग नहीं है गाइस जो कि माइनस पॉइंट हो जाता है, लेकिन कंपनी यहाँ पर सेल्स अच्छा खासा जनरेट कर रही है, कंपनी डेट फ्री है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा कंपनी यहाँ पर निकाल कर ला रही है गाइस। वही कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जो कि आप देख सकते हैं कि प्लस में है और काफी जबरदस्त नजर आ रहा है। वही कंपनी के रिजल्ट की बात करें गाइस क्वार्टरली रिजल्ट के अनुसार आप देख सकते हैं कंपनी जो सितंबर में अच्छा खासा जो कि सेल्स जनरेट किया है 11.37 करोड़ से अभी सेल्स डबल हो चुका गाइस 24.05 करोड़ कंपनी ने सेल्स जनरेट किया है, यही कारण है कि फिर से इस स्टॉक में तेजी देखी जा सकती है गाइस। वही नेट प्रॉफिट बात करें नेट प्रॉफिट देख सकते हैं जो 0.90 करोड़ से सीधे 4.18 करोड़ हो चुका है गाइस। और पूरे साल पर नजर डालेंगे गाइस देख सकते हैं कंपनी का सेल्स ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है और अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रहा है गाइस, यही कारण है कि हर साल अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न कंपनी बनाकर दे रही है। वही नेट प्रॉफिट देखें पूरे साल पर तो देख सकते हैं कि जो कंपनी पहले 0.18 करोड़ पे जनरेट करती थी एक साल के अंदर अभी वो है नेट प्रॉफिट बढ़ के चला गया है 5.95 करोड़ रुपए गाइस, तो काफी जबरदस्त प्रॉफिट कंपनी अपने इन्वेस्टर को बनाकर दे रही है। वही CAGR रिटर्न की बात करें गाइस दे सकते हैं कि 10 ईयर में 79% CAGR से रिटर्न दिया है, बहुत बड़ा रिटर्न होता है गाइस अगर आप कैलकुलेट करो तो काफी यहाँ पर अमाउंट आपका निकल कर आएगा और 188% का 347% का लास्ट साल में तो जबरदस्त रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना कर दिया है, तो मतलब लगातार इन्वेस्टर को रिटर्न बना कर दे रही है। जिस हिसाब से कंपनी का भी रिजल्ट आया है फिर से इस स्टॉक में तेजी देखी जा सकती है गाइस। वही कंपनी के यहाँ पर जो कि बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, वही प्रमोटर होल्डिंग की बात करें गाइस यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग तो है नहीं और FIDIS की होल्डिंग भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं पब्लिक होल्डिंग क्या क्या गाइस, तो पब्लिक की होल्डिंग पर नजर डालेंगे तो देख सकते हैं पब्लिक में काफी बड़े बड़े मतलब इन्वेस्टर ने अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है गाइस, तो यही कारण है कंपनी का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, लेकिन माइनस पॉइंट यह है कि कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है गाइस और FIDIS की कोई भी होल्डिंग नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर जो छोटे छोटे हैं काफी इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है।
और कंपनी का रिजल्ट भी काफी अच्छा था आया है, क्वार्टरली रिजल्ट, और कंपनी अपने बिजनेस को भी यहाँ पर ग्रो कर रही है। जैसे कि जेनके के अंदर कंपनी अभी एप्पल का ट्रेडिंग करने जा रही है गाइस, और कुछ लैंड भी एक्वायर किया है। तो कंपनी लगातार अपने बिजनेस को यहाँ पर ग्रो कर रही है, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक रिसर्च जरूर कर लेना चाहिए गाइस। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, धन्यवाद।